हेलो गाइस, मैं हूँ आकर्ष और आप देख रहे हैं रेसलिंग रिपोर्ट। तो गाइस, पिछले स्मैकडाउन में हमने देखा कि ब्रॉक लेसनर ने अपना रिटर्न कर लिया है। गाइस, वे चैलेंज करना है रोमन रेंस को फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए एट समर स्लैम। गाइस, लोगों को कहना है कि इस राइवलरी को देखते देखते हम बोर हो गए हैं। तो इस बार की बात अलग है क्योंकि इस बार स्टिपुलेशन ऐड हुई है लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच की। और गाइस, ये मैच पहले से ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, ये मैं आपको बता दे दूँ। और गाइस, उससे बड़ी बात ये है कि रोमन इस मैच में अपने टाइटल को हार भी सकते हैं। गाइस, अगर आपने ध्यान दिया हो कि ब्रॉक लेसनर ने भी अपने टाइटल को 503 डेज के लिए रेन बनाए रखी थी और वे अपना टाइटल लॉस्ट कर रहे थे समर स्लैम में अगेंस्ट रोमन रेंस के। तो गाइस, इस बार क्या बता, पासा उल्टा पड़ गया रोमन पर भी, और रोमन रेंस अपने टाइटल अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैम्पियनशिप को ही हार जाए क्योंकि पेपर व्यू भी तो सेम ही है ना। समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर हारे थे और इस बार भी समर स्लैम में इन दोनों का मैच है। तो गाइस, मेरी साइड रहेगी इस बार ब्रॉक लेसनर की तरफ। और गाइस, एक बात हाँ और बता दूँ मैं आपको, इस मैच में ब्रॉक लेसनर का लुक भी चेंज हो सकता है। आपको याद हो जैसे पहले बीस्ट मोड पर आते थे अपने दाढ़ी को शेव कर, क्या पता इस बार भी वैसे आए और हमें देखने मिल सकता है पहले वाला ब्रॉक लेसनर। क्योंकि गाइस, अगर ब्रॉक लेसनर वो सॉरी रोमन रेंस को कोई हरा सकता है तो वो अपनी ब्रॉक लेसनर ही है, क्योंकि रोल मन में कोई नाम ऐसा आता नहीं है जो रोमन को डिफीट कर दे अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप टाइटल के लिए। गाइस, वैसे तो रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर को 2 बार हरा दिया है, लेकिन ये वाला ब्रॉक लेसनर वो वाला नहीं है जिस ब्रॉक लेसनर को जानते हैं जो द बीस्ट है, जो द रियल में बीस्ट है। बस मेरे ख्याल से तो यही शेड लुक वाला ब्रॉक लेसनर भी आ सकता है रोमन रेंस को। बाकी आपके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये वाली वीडियो यहाँ तक की रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।